देखिए, घटना जिस तरह से हैदराबाद में हुआ वह तो काफ़ी निंदनीय और घिनौना काम उन लोगों ने किया। अपराधी को भी रुक के अपना पक्ष रखना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति हुई होगी कि पुलिस को बिना गोली चलाए हुए काम नहीं चला होगा, तो इसलिए इनकाउंटर वगैरह हुआ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हैदराबाद में कुछ दिन पहले जिस तरह से गैंग रेप का मामला सामने आया और उसके बाद हत्या कर दी गई उस महिला डॉक्टर की, उसके बाद जो आरोपी चार पकड़े गए उनको हैदराबाद पुलिस ने एक इनकाउंटर में मार गिराया, इसके ऊपर हम दिनेश चंद्र यादव जी का प्रतिक्रिया जानेंगे। सर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या हैदराबाद पुलिस सही की? देखिए, घटना जिस तरह से हैदराबाद में हुआ वह तो काफ़ी निंदनीय और घिनौना काम उन लोगों ने किया, तो यदि पुलिस गई थी पकड़ने के लिए तो अपराधी को भी रुक के अपना पक्ष रखना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति हुई होगी कि पुलिस को बिना गोली चलाए हुए काम नहीं चला होगा, तो इसलिए इनकाउंटर वगैरह हुआ होगा। लेकिन इस तरह की घटना जहां कहीं भी होती इसका तो समय सीमा प्रशासन में ज़रूर तय होना चाहिए कि हम कितने दिन के अंदर, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर हम इसका छानबीन कर लेंगे और अंतिम बिंदु पर हम पहुंचेंगे, और तब उसको एक स्पेशल कोर्ट भी बने, उसमें उसका निपटारा हो, अपराधी को तो सज़ा निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन यह भी इसको देखना पड़ेगा कि कई जगह देखा जाता है कि अपराधी दो रहते हैं और उसमें कई लोग मुदाले उसमें हो जाते हैं, तो उसको भी सोचना पड़ेगा। यह नहीं कि अब सभी का नाम दिए निर्दोष को सजा हो जाए, यह भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसकी गहन जांच समय सीमा के अंदर और कोर्ट में भी समय सीमा जो निर्धारित सरकार करे उसके अंदर उसकी सुनवाई होके उसका निपटारा हो जाए, तो इस तरह के लोगों पर भी असर पड़ेगा, लोग भय भी खाएंगे। सर, पूरे देश में अब एक मांग है कि जो रेप दुष्कर्म होता है महिलाओं के साथ उसके ऊपर एक कड़ा कानून जल्द से जल्द आने चाहिए, क्या आपको भी लगता है कि इस पर कुछ नया कानून आ सकता है? नहीं नहीं, कानून के लिए तो बोल रहे हैं गृह मंत्री वगैरह भी और लोग भी पार्लियामेंट में बोले, इससे राय से कौन अलग हो सकता है कि इस तरह की घिनौनी हरकत में सो सजा जल्द से जल्द हो या कठोर हो, इससे तो अलग हम समझते हैं कि कोई राय अपना नहीं रखेंगे, इसका जल्दी निपटारा होना चाहिए और सजा भी जल्द निर्धारित हो जाए, तो इससे दूसरे जो इस तरह के लोग हैं उसके दिमाग पर भी असर पड़ेगा। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद।